कालपी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी उमाकांती सिंह के पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अभी कालपी में चल रहा है, जनता उनको कैसे वोट देगी, आप जनता से क्या क्या वादे कर रहे हैं जिसके तहत जनता आपको वोट देगी। हमारे खास तौर से वादे हैं विकास के, ये गूंगी बहरी सरकार ने जो वादे किए थे 5 साल की, उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 साल हो गए केंद्र सरकार के, जो मोदी ने वादे किए थे झूठे जुमलेबाजी की थी। वो तो कहते हैं विकास, पूरी तरीके से विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है, गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में, कालपी नगर में आप देखिए तो एक सड़क नहीं मिलेगी पूरे कालपी नगर में जो गड्ढे ना हो, कहीं ऐसा विकास नहीं हुआ। झूठ बोले हैं तो दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार दे दिया हमारे बुजुर्गों को, जानवर रखा हो खेतों पर, तो 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आ गए 15 रुपया नहीं आए किसी के गांव में, किसी खातेदार के खाते में पैसा नहीं आए, क्या किया उन्होंने कुछ, डीजल के ये हाल है, पेट्रोल डीजल के ये हाल है, आपकी गैस के ये हाल है, इतनी महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी इस बार बता? हम सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की पूरी तरीके से, हाँ पूरी तरीके। लेकिन आपकी जो मुखिया हैं प्रियंका गांधी जी, वो तो कह रही है हमारी हम सरकार में शायद नहीं आए। नहीं तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हो सकता है हम सरकार तो नहीं बनाए लेकिन आगे चल के। नहीं, हमारी सरकार बनने की पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अगर आपको कालपी की जनता जिताती है तो कालपी की लोगों के लिए आप क्या क्या और चीज़ें करेंगे? यहाँ जो दिक्कतें हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़कों के हाल है, इनमें सारी सुधार होंगे, पूरा विकास किया जाएगा, बेरोजगारी जो चल रही है, अपनी सरकार से पूरा प्रयास करके बेरोजगार को रोजगार दिलाने का काम करेंगे और पूरा विकास का काम करेंगे। आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि RBI पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड।